सर, जिस अहम मसले पर हम आज इस ऐवान में बहस कर रहे हैं, मेरा मानना है सर कि हमारे भारत के आईन और संविधान में आर्टिकल 47 में इसका हमारे बुजुर्गों ने जिक्र किया था और इस सरकार की उनकी अकल में उनकी इल्म में इजाफे के लिए कहना चाहूँगा कि ये 47 44 से ज़्यादा अहम है, क्योंकि अगर ये ड्रग्स फैल रहे हैं जो हमारे मुल्क में, ये एक दीमक की तरह हमारे उस मुल्क की आने वाली नस्ल को खोखला कर रहे हैं। अगर एक दहशतगर्द का हमला होता है तो लोग मरते हैं, मगर ये ऐसा हमला है कि नस्लें बर्बाद हो रही हैं। तो इसीलिए सर, मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत 44 के बजाय 47 पर ज़्यादा तवज्जो मरकोज करेगी और इस दीमक को जो हमारी नस्ल को बर्बाद कर रहा है पूरे मुल्क में, उस पर यह सरकार को उतरना पड़ेगा। और अगर सिर्फ ऐलानात और बातें होंगी तो कुछ नहीं होगा। सर, मैं आपको एक बात बताना ज़रूरी समझता हूं कि इतना बड़ा मसला है कि 2021 में 78,331 FIR रजिस्टर हुए सर ड्रग्स के ऊपर, और उसी साल 2021 में सर जो सीजर्स हुए हैं NDPS एक्ट में 2021 में 12 लाख और लीटर्स में देखेंगे तो 8,90,000 करीब ये सीजर्स हुए हैं सर। अब सर, आपके इतला के लिए, जो पुलिस का खर्चा होता है, जो पुलिस को गवर्नमेंट देती है, आप देखिए सर, डेटा है मेरे पास, मिसाल के तौर पर दिल्ली में सर, आप दिल्ली पुलिस कितना खर्चा करिए, देखिए सर, 99 करोड़ उनका बजट है, तो 2022-23 बी सर बी में सिर्फ 0.1% खर्चा हुआ है। और आप इसका मुकाबला करेंगे इस दीमक का, इस दहशतगर्दी का? आप देख लीजिए सर, आंध्र प्रदेश आसाम देख लीजिए सर, 6% एक्सपेंडिचर ऑन पुलिस। यू कम टू राजस्थान सर, ओनली 3% ऑफ 2023 बी। वेस्ट बंगाल आउट ऑफ 10,410 4%। नाउ दिस इज व्हाट इज द मेन इश्यू ओवर हियर, दैट वी आर नॉट स्पेंडिंग द मनी विच इज अलोकेटेड, हाउ आर वी गोइंग टू कंट्रोल दिस मेनेस। सर, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया इज सैंडविच बिटवीन टू लार्जेस्ट ओपीएम प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ गोल्डन ट्राइंगल सर, जिसमें थाईलैंड म्यांमार है, और गोल्डन क्रेसेंट है जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान है, और 70% ड्रग हमारे मुल्क में समंदर के रास्ते से आता है। अब समंदर के रास्ते से आता है तो भाई आपकी जिम्मेदारी, आप क्या कर रहे हैं? 70% ड्रग समंदर के रास्ते से आता है, बहरे अरब से आता है, अरेबियन सी से, और बे ऑफ बंगाल से आता है। मेरी सरकार से सवाल यह है कि हाउ वुड यू कंट्रोल द डार्क वेब? डीलिंग्स पूरी डार्क वेब पे होती है और बगैर वो आपके सॉफ्टवेयर नहीं है, आप नहीं कर सकते। दूसरा सर, ये जो ड्रग्स की परचेजिंग होती है, ये डार्क नेट ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, क्रिप्टो करेंसी से ड्रग्स खरीदते हैं, इसके ऊपर आप क्या, आपके पास क्या लाहेमल है? तीसरी बात यह है कि सर, तेलंगाना की पुलिस गोवा गई थी, गोवा की सरकार ताउन करने तैयार नहीं है, 3 बड़े गोवा के ड्रग किंग पिंस को पकड़ कर लाए, और वहां की गोवा की पुलिस अनऑफिशियली बोली कि आप यू अरेस्ट देम आफ्टर न्यू ईयर, अदरवाइज आवर टूरिज्म इंडस्ट्री विल गेट अफेक्टेड। आई मीन, व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? अरे, वो बोल रहे हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री को मुतासर करें। अच्छा, वो ड्रग पिन में कौन है सर एक, इसका नाम नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, आई डोंट नो नेम हिम, दैट फेलो वाज अ वेटर, ही इज नाउ अ माफिया लॉर्ड नाउ, कैसा होगा सर ये? तो इसीलिए हम सरकार से उम्मीद करते हैं सर, मैं खत्म कर रहा हूं। अच्छा सर, इन कोर्ट, इफ यू टेक दिस केस टू कोर्ट, नाउ व्हाट विल हैपन इन कोर्ट इफ ड्रग्स आर सीज्ड? दे आर शोन सीज्ड बट नॉट सील्ड, एंड दैट इज वेयर यू गेट द बेल। आप सीज करते हो उसको आप सील ही नहीं करते। देयर इज सो मेनी लकुनास। 70% ऑफ ड्रग्स इज कमिंग थ्रू सी रूट। इट इज फॉर दिस गवर्नमेंट टू स्टैंड अप एंड डिलीवर ऑन इट। फॉरगेट अबाउट 44 एंड रिमेंबर अबाउट 47. 47 इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आर्टिकल 47 बिकॉज डिस्ट्रॉइंग द होल नेशन। एंड लास्टली सर, वन सिंपल एक्सपेरिमेंट कैन बी डन ऑन 31st December ऑन ऑल इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ आवर कंट्री, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, you tell them that we will check everyone before going into that party, rave parties. There are children, 14, 15 year old children from richest families in Hyderabad, who are involved in this.
So that is why, sir, I hope that the government will take action. And lastly, sir, this is a threat to India because major drugs are coming from Afghanistan and Iran. And people sitting in Afghanistan हमारे से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करते, नफरत करते. तो आप उसके लिए क्या करने वाले हैं? अफगानिस्तान से जो ड्रग्स आ रहे हैं सर, पाकिस्तान से जो आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सब बोल रहे ड्रोन से आ रहा है, ड्रोन से आ रहा है. आप क्या कर रहे हैं? सबको मालूम आपको क्या करना है. व्हाट डू यू से? वी हैव सीज सो मच. दैट इज नॉट द क्वेश्चन. हाउ वुड यू पुट एन एंड टू इट? व्हाट एक्शन यू गोइंग टू टेक? एंड आई होप दैट द कंट्री विल राइज अप. वी हैव टू वर्क टुगेदर टू स्टॉप दिस मेनेस, अदरवाइज हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी. थैंक यू. शुक्रिया सर. थैंक यू वेरी मच. श्री बद्रुद्दीन अजमल जी.